हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन डिजिटल टच। मेरा नाम है देवाशीष और जैसे कि आप लोगों ने देखा कि मैं अपने शाओमी फ़ोन को चेक करता हूं और उसमें जो है फ्लैश लाइट ऑटोमेटिकली जल जाता है। तो इस तरह का ट्रिक आप किस तरह से कर सकते हैं और ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि ये जो ट्रिक है ये सभी फ़ोन में नहीं होता, इसे करना पड़ता है। और ये जो है मोटोरोला के फ़ोन्स में बाय डिफॉल्ट ही आता है लेकिन किसी भी शाओमी के फ़ोन में नहीं आता है। तो ये तो मैंने शाओमी के फ़ोन में टेस्ट कर लिया है, एक दो फ़ोन में उसमें चल रहा है। तो अगर आप शाओमी के फ़ोन के अलावा भी किसी और फ़ोन यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप एटलीस्ट ट्राई करके देख सकते हैं, लेकिन मैं गारंटी नहीं दे सकता कि उसमें ये काम करेगा कि नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप लोगों को एक एप्लीकेशन इंस्टॉल करना होगा। तो उसके लिए आप लोगों को सबसे पहले अपने फ़ोन के प्ले स्टोर पर आना होगा और यहाँ पर आप लोगों को सर्च करना होगा मैक्रोड्रॉइड। तो जैसे आप लोग मैक्रोड्रॉइड लिख के सर्च करेंगे इस तरह का एक एप्लीकेशन आएगा। 6-7 MB का इसमें फाइल साइज़ है, इसका साइज एप्लीकेशन का। तो इसे आप लोगों को सबसे पहले इंस्टॉल करना है। मैंने इंस्टॉल कर लिया है, आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद आप लोगों को जैसे ही आपके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है उसे ओपन कीजिए इस एप्लीकेशन को। उसके बाद आप लोगों को सिंपली नेक्स्ट नेक्स्ट करके जाना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस वगैरह आएगा। और एक और चीज़, अगर आपके फ़ोन में इंटरनेट कनेक्शन अवेलेबल अभी नहीं है तो इंटरनेट को एनेबल कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोग को टेम्पलेट्स पे जाना है। टेम्पलेट्स पे आने के बाद आप लोग टॉप रेटेड पे आइए। टॉप रेटेड पे आने के बाद एकदम पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ऑप्शन है फ्लैश लाइट करके, इसे आप लोग को क्लिक करना है। उसके बाद आप लोग देख सकते हैं जो राइट साइड की एकदम नीचे एक प्लस करके एक साइन किया हुआ है, उसे आप लोग को सिंपली टैप करना होगा। टैप करने के बाद इस तरह का एक पॉपअप आएगा, उसे आप लोग को क्लोज करना है। और जैसे आप लोग टैप करेंगे आपका जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगा। इसके बाद आप अपने फ़ोन को जब भी चेक करेंगे ये फ्लैश लाइट जो है ऑटोमेटिकली जल जाएगा। लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप कोई भी शाओमी का फ़ोन यूज़ करते हैं तो अपने नोटिफिकेशन में ही उसे ऐड करके रख लीजिएगा, जैसे कि मैं ऐड किया हूँ। तो अदरवाइज अगर आप इस तरह का सॉफ्टवेयर आप ट्राई कर सकते हैं लेकिन आपका बैटरी भी इसमें लॉस होगा, क्योंकि अगर आप इस ऐप को इंस्टॉल करके रखते हैं तो ये जो ऑटो स्टार्ट में आ जाएगा, ये जैसे आप आपका फ़ोन स्टार्ट करेंगे ये भी चलता रहेगा बैकग्राउंड में, तो ये भी बहुत ज़्यादा बैटरी भी लेता है। तो आप एटलीस्ट ट्राई कीजिए, ट्राई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप इसे देखने के लिए ही कह रहे बल्कि यूज़ वगैरह बिल्कुल भी मत कीजिए। तो आज गाइज ऐसा करता हूँ, आप सभी को ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। और इसके रिगार्डिंग अगर आप लोगों के मन में कुछ भी डाउट्स वगैरह है तो नीचे मुझे कमेंट्स में आप बताइए। और अगर आप लोगों ने अभी भी इंडियन डिजिटल टच को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो इंडियन डिजिटल टच को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।